मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। बचपन में ज्यादातर लोगों को दाल पसंद नहीं होती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस दाल को आप इतना ना पसंद करते हैं वो असल में एक सुपर फूड जैसा है, जिसमें होते हैं कई सारे पोषक तत्व। साथ ही साथ दाल प्रोटीन का सबसे भरोसेमंद स्रोत है। प्रोटीन के किसी भी दूसरे माध्यम की तुलना में इसमें कम फैट होता है। इसके साथ ही ये खनिज, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और पाचन क्रिया में मददगार फाइबर से युक्त होती है। अच्छी सेहत के लिए हर रोज दाल खाने की सलाह दी जाती है। दाल खाने के बाद बहुत देर तक पेट भरा रहता है, जिससे भूख का एहसास नहीं होता। इसके चलते मोटापा भी हावी नहीं हो पाता। दाल को पचा पाना बहुत आसान है। हर रोज दाल खाने से बॉडी एक्टिव बनी रहती है। दाल ना सिर्फ प्रोटीन की कमी को पूरा करती है, बल्कि ये आयरन की जरूरत को भी पूरा करती है। दालों में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर से बचाव में सहायक होते हैं। दाल आपकी सेहत को और किस किस तरह से फायदा पहुंचाती है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं जरा विस्तार से। अगर आप एक कप दाल रोजाना खाते हैं तो आपको करीब 18 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। दाल प्रोटीन का एक बेहतरीन माध्यम है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। दालें सुपाच्य होती हैं। इनमें पाए जाने वाली डाइट्री फाइबर्स पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं, जिसकी वजह से कब्ज की समस्या नहीं हो पाती और ये कैंसर से बचाव में भी कारगर हैं। दिल की सेहत के लिए भी दाल खाने की सलाह दी जाती है। इसमें मौजूद फॉलेट और मैग्नीशियम दिल की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं। अगर आप हर रोज एक कप दाल खाते हैं तो आपकी आयरन की ज़रूरी मात्रा भी पूरी होती है। और आप तो जानते ही हैं ना कि आयरन हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पर औरतों को इसकी बहुत ज़रूरत होती है, तो ऐसे में ख़ास तौर पर औरतों को अपनी डाइट में दाल को ज़रूर शामिल करना चाहिए। दालों में भरपूर मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम और जिंक पाया जाता है। इनकी मौजूदगी से कई तरह के संक्रामक रोगों से भी आपकी सुरक्षा होती है। तो पता चला आपको एक दाल खाने के कितने सारे फायदे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर आप दाल नहीं खाते होंगे या दाल आपको अच्छी नहीं लगती, तो अब आप दाल काफ़ी शौक से खाएंगे और उठाएंगे इसके ढेर सारे फायदे। फिलहाल इसी के साथ ही बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।